vegetative reproduction in plant. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट में स्टेम तक हमने पढ़ा था। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आज हम पढ़ रहे हैं बाइलीव्स। पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है पत्ती के माध्यम से। आपको बता दूंगी कुछ पौधों की पत्तियां भोजन का संचय करती हैं, मोटी और मांसल हो जाती हैं। इसके बाद इन पत्तियों में कुछ अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक कलियां निकल आती हैं। जब ये पत्तियां टूटकर मदर प्लांट से अलग होकर मृदा में गिर जाती हैं, तब इनसे स्वतंत्र पौधा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्राविपलम जिसे अजूबा कहते हैं और बिगोनिया, बिगोनिया और ब्राविपलम उदाहरण है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। देखिए चित्र के माध्यम से आप समझ लेंगे। ये लीफ है ब्राविपलम, अजूबा। अजूबा की पत्तियों के किनारे अपस्थानिक जड़ें निकलती और इन्हीं जड़ों से और जड़ों के समीप उत्पन्न कलियों से, जो कक्षस्थ कलियां हैं उनकी बात करें, इन कलियों से नया पौधा बनता है। इसी प्रकार आप देखेंगे ये अपस्थानिक जड़ें हैं और यहां से भी ये स्वतंत्र पौधा बनता है। जगह जगह पत्ती के किनारे ये निकल आती हैं अपस्थानक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट। ये उदाहरण है ब्रायोफिलम का। तो ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारे किनारे ये अपस्थानक जड़ें बनती हैं, यहीं पर ये कलियां बन जाती हैं और इन्हीं कलियों के थ्रू नया पौधा यहां बन जाता है। क्योंकि पत्ती से जड़ें निकलती हैं और नया पौधा उत्पन्न होता है, इसलिए इस पौधे का नाम है अजूबा। इसका काम है अजूबा, इसलिए इसका नाम है अजूबा। दूसरा उदाहरण बिगोनिया है। बेगोनिया की पत्तियां ये बेगोनिया की पत्ती है, इसके पत्ती के सतह से जड़ें निकलती हैं और कलियां निकलती हैं और यही कलियां एक स्वतंत्र पौधा बनाती हैं। देखा, पत्ती की सतह से, किनारे से नहीं, पत्ती की सतह से निकलती है। ये बेगोनिया प्लांट की पत्ती है, भोजन का संचय करके मांसल हो जाती है और इसकी पाड़ सतह से, पत्ती की सतह से ये अपस्थानक जड़ें विकसित होती हैं और यहीं से कलियां विकसित होकर के ये कलियां एक स्वतंत्र पौधा बना लेती हैं। इस प्रकार से पत्तियों के द्वारा स्वतंत्र पौधा बनता है। क्लियर हो गया? अब आगे ये हमारा पूरा हुआ टॉपिक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। हमने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
दो विधियों से होता है, नेचुरल वेजेटो प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजेटो प्रोपेगेशन। अब हम आगे बात करेंगे वेजेटो प्रोपेगेशन यानी आर्टिफिशियल वेजेटो प्रोपेगेशन की बात। सेकंड हेडिंग है आर्टिफिशियल। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। मानव द्वारा कराए गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। फिर सुनिए, मानव द्वारा कराए गए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से शीघ्र नए पौधे की उत्पत्ति होती है और इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। उन विधियों में पहली विधि देखें कौन सी, कटिंग। इसको कहते हैं कलम लगाना। दूसरी विधि ग्राफ्टिंग, इसे कहते हैं रोपण, इसे कहते हैं कलम लगाना। तीसरी विधि अनार्चिंग, अनार्चिंग शाखा बंधन। चौथी विधि बडिंग, कली लगाना। और पांचवी विधि लेयरिंग, इसे कहते हैं दाब लगाना। ये विधियां आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। अब हम बात करते हैं कटिंग की, कलम कैसे लगाते हैं। कटिंग का मतलब, कलम लगाने का मतलब, इसका तात्पर्य है कच्छस्थ कलिका युक्त छोटे तने के टुकड़े से। इस विधि में एक छोटे तने के टुकड़े को 25 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई में काट लेते हैं, जिसमें ऑक्सिलरी बड लगी होती है। देखिए, ये तने का छोटा टुकड़ा, इसमें जहां जॉइंट है यहां पर अपस्थानिक जड़ें निकलती और यहीं पर ये ऑक्सिलरी बड बनती है, ऑक्सिलरी बड। और ये है एडवेंटिशियस रूट, ये तने का छोटा टुकड़ा है जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में। इसमें जो ऑक्सिलरी बड है, जो इसमें अपस्थानिक जड़ें हैं,
यदि जड़ें ग्रो करती हैं और यही ऑक्सिलरी बड ग्रो करते हैं और इसी से स्वतंत्र पौधा बनता है। कटिंग की प्रक्रिया को रेनी सीजन में वर्षा ऋतु में अपनाया जाता है। इस छोटे तने के टुकड़े को काट करके भूमि में दबा दिया जाता है, ये भूमि के अंदर इसको दबा देते हैं और लगभग एक महीने बाद इनसे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ये ऑक्सिलरी बड विकसित होकर एक स्वतंत्र पौधा बनाती है। कटिंग की प्रक्रिया गुड़हल में, गुलाब में, गन्ना में, नींबू में ये हम प्रक्रिया को अपना सकते हैं और ये विधि गन्ना, गुड़हल, गुलाब, नींबू के लिए उपयुक्त विधि है कटिंग। दूसरी विधि है ग्राफ्टिंग, रोपण। रोपण क्या होता है? किसी पौधे के ऊपर, किसी जड़ सहित तने के ऊपर दूसरे पौधे को उगाने की क्रिया को रोपण कहते हैं। किसी पौधे के जड़ सहित, किसी जड़ सहित पौधे के तने के ऊपर दूसरे पौधे के उगाने की क्रिया को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? इस विधि में एक जड़ सहित तना ये तना जड़ सहित तने के ऊपर एक दूसरा पौधा जोड़ा जाता है, दूसरे पौधे के तने को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद इसे रस्सी से बांध दिया जाता है, बांध करके इसमें मिट्टी का या मोम का लेप लगा देते हैं। मिट्टी या मोम का लेप लगा देते हैं ताकि सूक्ष्म जीवों का संक्रमण इसमें ना हो सके। लगभग एक महीने बाद ये दोनों पौधों के तनों के टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ऊपरी पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यानी पुष्पन और फलन की क्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार से ऊपरी पौधे को सियान कहते हैं और निचले पौधे को स्टार्क कहते हैं। बता दूं कि स्टार्क एक खराब नस्ल का पौधा है जो मृदा से मिनरल वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जबकि सियान एक उत्तम लक्षणों का पौधा होता है जिसमें से फलन और पुष्पन की क्रिया होती है। इस प्रकार से उत्तम नस्ल का पौधा सियान और खराब नस्ल का पौधा स्टार्क होता है। यह विधि नींबू, नाशपाती, बेर और अंगूर के लिए उपयुक्त होती है। रोपण की विधि कौन कौन से पौधे के लिए? नींबू, नाशपाती, बेर, अंगूर, इन पौधों में ग्राफ्टिंग की विधि को अपनाया जाता है। अब हम तीसरी हेडिंग की बात करेंगे, इनार्चिंग, शाखा बंधन। शाखा बंधन जैसा इसका नाम है यानी शाखाओं का बंधन, दो पौधों की शाखाओं को बांधा जाता है।
देखो, एक पौधा ये है और इस पौधे की ये शाखा जिसमें पत्तियां लगी हैं दूसरा पौधा एक इधर है इसकी भी एक शाखा ये अब इन दोनों शाखाओं को परस्पर जोड़ा जाता है। बता दूं कि इनार्जन भी एक ग्राफ्टिंग की रूपांतरित विधि है, ग्राफ्टिंग का ही रूपांतरण है इनार्जन शाखा बनना। इसमें एक खराब नस्ल का पौधा जिसे स्टॉक करते हैं और एक अच्छी नस्ल का पौधा जिसे सियान करते हैं। इन दोनों पौधों की शाखा को पहले चाकू से 5 सेंटीमीटर छील दिया जाता है। देखिए इसको चाकू से छील देते हैं और इसे भी चाकू से छील देते हैं। चाकू से छीलने के बाद ये भाग छिला हुआ है, छीलने के बाद इन दोनों शाखाओं को इनको परस्पर मिला देते हैं और परस्पर मिला करके इनको बांध देते हैं। चलिए इसको हम ये भी देख लेते हैं कैसे बांधेंगे। ये शाखा है और ये शाखा, अब इनको हमने यहां पर बांध दिया। पहले छीला, छीलने के बाद बांध दिया। बांधने के बाद इन दोनों पौधे यानी सियान और स्टार्क दोनों शाखाओं के टिश्यू अंदर अंदर आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तब इस सियान को नीचे से काट देते हैं, यहां से कट कर देते हैं और इस स्टार्क को ऊपर से काट देते हैं। ये कट काट दिया। अब देखा आपने नीचे की तरफ ये स्टार्क और इसके ऊपर सियान। अब जब ये पौधा ग्रो करेगा तो स्टार्क का काम होगा रूट से मंडल वाटर को लेना और यहां स्टार्क तक पहुंचाना और स्टार्क का कार्य होगा पुष्पन और जो सियान का काम होगा वो पुष्पन और फलन का काम होगा। यानी जो पौधा सियान था वो तो इधर पृथक कर दिया, उसकी शाखा इसमें जोड़ दिया। अब इसमें नीचे तो खराब नस्ल के लक्षण हैं लेकिन इसके ऊपर जो पौधा जुड़ा सियान की शाखा उसमें उत्तम गुणों के फल और पुष्पों का विकास होता है। इस प्रकार से शाखा बंधन द्वारा हम नया पौधा बना देते हैं। इनार्जन की विधि को अपनाते हैं किस्में, इसे हम आम और लीची में इसका प्रयोग करते हैं। यानी आम का दूसरा पौधा उगाना हो या फिर लीची का पौधा उगाना हो इसके लिए हम इनार्जन की विधि का प्रयोग करके नया पौधा बना सकते हैं। इसके बाद तीसरी विधि है बडिंग, कली लगाना। इस प्रक्रिया में एक पौधे के ऊपर यानी एक साधारण पौधे के ऊपर ये एक सिंपल प्लांट है, इसके ऊपर एक उत्तम नस्ल के पौधे को ही लगाया जाता है। इस तरह से
कलम लगाना की बात अलग थी, कली लगाना की बात। कली में एक साधारण पौधे के ऊपर एक अच्छी नस्ल का पौधा जोड़ा जाता है। कुछ दिनों बाद इन दोनों पौधों के टिश्यू जुड़ जाते हैं। यानी सामान्य पौधा नीचे है, इसका काम होगा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। ऊपर का पौधा उत्तम नस्ल का होगा, ये इसका काम होगा पुष्पन और फलन, जिससे हमें विविध प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। इस विधि को भी हम नींबू में, अंगूर में, संतरा में प्रयोग कर सकते हैं, बडिंग यानी कली लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब पांचवी विधि का नाम है लेयरिंग, दाब लगाना। दाब कैसे लगाएंगे और दाब लगाने की विधि क्या है, इसे भी डायग्राम से समझेंगे। देखो बच्चों, हम एक पौधा बना रहे हैं, ये प्लांट इसमें से शाखाएं हैं, शाखाओं में ये पत्तियां होंगी, ये भी एक ब्रांच है, शाखा है। ये जो शाखा भूमि को स्पर्श करती है, भूमि को स्पर्श करने वाली शाखा ये पौधा है, ये शाखा इसको ऐसी शाखा है जो भूमि को स्पर्श कर रही है, भूमि को स्पर्श करने वाली ये ब्रांच, को खींच करके नीचे इसे मृदा में दबा देते, मिट्टी में दबा देते, और मिट्टी में, अब देखो इतना भाग मृदा में दबा हुआ है, दबाने के बाद ऊपर से एक लकड़ी की वी आकार की पिन लगा देते हैं, इस तरह से पिन लगाकर इसको दबा देते हैं, ताकि ये शाखा किसी भी दशा में ऊपर ना आए, और ऊपर से मिट्टी भी डाल देते हैं। कुछ समय तक इसमें से इसकी सिंचाई करते रहते, और लगातार सिंचाई करने के बाद लगभग 2-3 माह तक सिंचाई करेंगे, तो इस शाखा में नीचे के तरफ अपस्थानिक जड़ें बन जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट, ये अपस्थानिक जड़ें नीचे से बन जाएंगी, और इसी स्थान पर यहां पर ये कलियां बन जाएंगी। जब इसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी, कलियां विकसित हो जाएंगी, तब इस शाखा को मदर प्लांट से यहां से काट दिया जाएगा, ये कट हो। अब ये शाखा कट गई, और इसी प्लांट के नजदीक इस शाखा से इधर एक नया पौधा बन जाता है, एक स्वतंत्र पौधा इधर बन जाता है। अब ये पौधा मदर प्लांट के समीप की अपनी शाखा से एक नया पौधा बना लेता है। क्लियर हो गया? ये रही हमारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। अब हम आपको क्या इसके लाभ हैं, क्या हानियां, ये जानना जरूरी है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराए जाते हैं, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, उस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्या लाभ है, क्या हानियां, अब इसके लाभ देखिए। एडवांटेज,
ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एडवांटेज, लाभ क्या है ये देखो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पहला लाभ है, नोट्स आपके पास पहले से अवेलेबल है, सिर्फ आपको हमारी बात को ध्यान से समझना है, बाकी नोट्स से आपको इसे पढ़ना। पहला लाभ इसमें यह है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पौधों को गैमेट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। गैमेट्स समझ रहे हो, युग्मक, युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात, जब युग्मकों की आवश्यकता नहीं होगी तो इनमें से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास भी नहीं होगा। तो ऐसे पौधों के लिए युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनमें भ्रूणी विकास नहीं होता। दूसरा लाभ है कि सीड, बिना सीड से, बिना बीजों के, विदाउट सीड नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। तीसरा लाभ है, इन विधियों से बने पौधे अनुवांशिक रचना में समान होते हैं। चौथा लाभ, इस विधि से बने पौधे बहुत शीघ्र ही पुष्पन और फलन का कार्य करते हैं, यानी अल्प समय में नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से इस विधि से बने हुए पौधे दूर दूर तक नहीं बल्कि मदर प्लांट के समीप ही ये विकसित होते हैं। लाभ के साथ अब हम इसकी हानियों के बारे में भी जिक्र करेंगे कि इनमें हानियां भी हैं, डिसएडवांटेज। आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हानियां है इसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनने वाले पौधे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, कम समय में ये पौधे नष्ट हो जाते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं चलते। दूसरी बात, इस विधि से तैयार पौधे से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती, यानी नई किस्म के, नई प्रजाति के पौधे इस विधि के द्वारा नहीं बन पाते। तीसरी हानि है, इस विधि से बनने वाले पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, यानी इनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, कम होती है। और चौथा इसमें जो हानि है, पौधे दूर दूर तक विकसित नहीं होते हैं, पौधे मदर प्लांट के समीप ही उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गए इसके हानियां और ये थे इसके लाभ। इसी के साथ ही हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्लांट में था उसका टॉपिक आज ये खत्म हुआ, और अब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं बल्कि उसका नाम होगा माइक्रो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सूक्ष्म कायिक प्रवर्धन की जिक्र करेंगे अगले पीरियड में। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो निश्चित तौर पर आप लोगों से उम्मीद है कि इसे लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें।